और अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चलाएंगे मशहूर पॉप स्टार दलेर मेहंदी पर। आपकी अदालत में आज जनता की ओर से जज होंगे जाने माने कार्टूनिस्ट सुधीर तैलंग, और जनता की ओर से मुकदमा चलाएंगे जनता के वकील रजत शर्मा। अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज हम पेश करेंगे पॉप स्टार दलेर मेहंदी को। दलेर मेहंदी जो हर बार नई कंट्रोवर्सी में शामिल हो जाते हैं, दलेर मेहंदी जो किसी न किसी वजह से खबरों में बने रहते हैं, और आज खबर बनी जब दलेर मेहंदी ने केस किया यशराज फिल्म के खिलाफ। उनके केस पर यश चोपड़ा, गुलजार, शाद अली और शंकर महादेवन जैसे बड़े बड़े लोगों को अदालत ने समन किया है। क्या है केस, क्या विवाद है, दलेर मेहंदी से पूछेंगे आज आपकी अदालत। पॉप स्टार दलेर मेहंदी आपकी अदालत में हाजिर हो। दलेर जी आप बैठिए, आपको देखते ही इतनी तालियां इतनी सीटियां, ऐसा लगता है कोई दूल्हा आ गया हो मंडप में। आप सबकी जरा नवाज है और प्यार है, दुआएं हैं आप सबकी, और आप लोगों ने ही म्यूजिक में पॉप का दूल्हा बना रखा है, तो बहुत ही मेहरबानी आप सब। तो मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में। पहला इल्जाम दलेर मेहंदी पर। आपकी अदालत में पॉप स्टार दलेर मेहंदी पर इल्जाम है कि ये जानबूझकर विवाद खड़े करते हैं। दलेर जी, आप कंट्रोवर्सीज का पीछा करते हैं या कंट्रोवर्सीज आपका पीछा करते करते आ जाती हैं? कभी भी कोई बात को मैंने पहले कभी नहीं उछाला। जब भी मेरे साथ किसी ने कुछ भी थोड़ा सा गलत करने की कोशिश की या कहते हैं बैठे बैठाई कोई पंगा लेने की कोशिश करे, तो उसका फिर जवाब देना तो स्वाभाविक है। आखिर मेरा नाम दलेर मेहंदी है और तब मुझे डरपोक नहीं बनना चाहिए। तो आपसे कोई पंगा ले तो आपकी पूरी दिलेरी सामने आ जाती है। मतलब पहले तो बहुत नज़रअंदाज करता हूँ जब मुझे लगता है कि कोई सामने वाले जानबूझकर आपको दबाते जा रहे हैं, फिर मुझे लगता है नहीं कि कोई तो हो जो बोले इसके लिए। क्या वजह है कि आप यशराज फिल्म, जिसमें यश चोपड़ा है, आदित्य चोपड़ा है, ऐसी बड़ी कंपनी जिससे शाहरुख खान एसोसिएटेड है, अमिताभ बच्चन एसोसिएटेड है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री जिससे डरती है, आप उसके पीछे पड़ गए? पूरी इंडस्ट्री उनसे डरती हुई, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री को वहाँ रहना और उनके साथ काम करना है, और मेरा इंडस्ट्री से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। मैं पॉप स्टार हूँ, वो फिल्म इंडस्ट्री है, मेरी पॉप इंडस्ट्री है, इसलिए वो लोग डरते होंगे क्योंकि उनको काम चाहिए, उनसे दब के काम करते होंगे। मुझे लगता नहीं कि शायद बेवजह डरना चाहिए। आखिर वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं, वो स्पेशल तो कहीं से गिरे नहीं, वो भी ज़मीन से मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनसे डरना चाहिए। मैं भगवान को छोड़ के मुझे लगता नहीं है कि किसी भी आदमी को किसी से डरना चाहिए। आप किसी से नहीं डरते? मेरे हिसाब से तो नहीं डरता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत भूतों से डर जाता हूँ। मैंने सुना कि आपको अंधेरे से काफी डर लगता है, आपको लगता है कि कहीं कोई आके। जी वही मैं कह रहा था कि बल्ले बल्ले ना कर दे। मेरी ये सोचा है कि चलो जैसे मान लीजिए सामने वाले ने पंगा ले लिया, तो आप आगे कुछ नजर आ रहा है तो आप उससे बात कर सकते हैं। अब जहाँ आपको सिर्फ नजर कुछ ना आए और आवाजें आती जाएं और हर तरफ से आपको हवा में झांपड़ पड़ रहे हो, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। दलेर जी, दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ, हम चर्चा कर रहे हैं फिल्म झूम बराबर झूम के टाइटल सॉन्ग की, वो टाइटल सॉन्ग जो दलेर मेहंदी ने गाया था, और दलेर मेहंदी को पता भी नहीं चला, इनकी जगह किसी और की आवाज उसमें रख दी गई। इन्होंने अदालत में केस किया है, इन्होंने यश चोपड़ा, गुलजार,
शाद अली, इन सब लोगों को अदालत में घसीट लिया है और इन सब लोगों को अदालत ने समन इशू कर दिया है। और इसीलिए दिलेर जी आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने उनसे पंगा क्यों लिया? सर ये पंगा मैं चाहूँगा कि आपको मेरे पास जो एविडेंस है, जो जिसमें मैं दिखाना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया आपके माध्यम से ये देखे कि लोगों के सामने सच्चाई होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि हमने दिलेर मेहंदी से सिर्फ एक पंजाबी गाने की बात की और गवाया, हमने गाना निकाल दिया, फिल्म में शूट नहीं करता था, लेकिन वो आवाज़ जो शंकर महादेवन ने गाया उसी गाने को दोबारा रीडब कर दिया है। आप कह रहे हैं कि जो गाना आपने गाया था उसे उन्होंने शंकर महादेवन की आवाज़ में डब कर दिया, और वो मुझे ये भी है कि सारा मेरा स्टाइल पहले मुझसे उन्होंने अच्छे तरीके से कहा इसमें और क्या गा सकते हैं और क्या गा सकते हैं। मैंने उसको इतना खूबसूरत बनाया था और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उस गाने को गाने के लिए कम से कम नहीं तो शंकर महादेवन को भी 15-20 दिन तो लगे होंगे रोज़ कंप्यूटर में चोरी चोरी धीरे धीरे उसको कॉपी करने में। मेरा सारा एक तरीका एक स्टाइल गवाने के बाद और मुझे बिना बताए उन्होंने गाना निकाल दिया, और मुझे एक साल बाद पता लगा जब एल्बम मार्केट में सीडी रिलीज़ हुई और मैंने जब सीडी में देखा तो ना अपना नामो निशान कहीं नजर आया ना ही मेरी आवाज नजर आई, तो मुझे इस बात का बहुत धक्का। और ये जो आपने मुझे डिस्क दिया है ये उस बात का सबूत है कि आपने वो गाना गाया था? जी बिल्कुल, ये इस बात का सबूत है। और मैं एक बार चाहूंगा आपसे भी इसे चेक भी कर लीजिए, पता लगे कुछ और ही निकल आया इसमें। मैं ये अदालत के सामने पेश करता हूँ और इसे हम इस स्टेप को चला कर देखते हैं कि इसमें क्या है। एक दो बार विद द ट्रैक आप करें फिर मेरा वॉइस म्यूट कर देंगे फिर आप। जी सर। उड़ती उड़ती अखियों के लड़ गए पैंचे लड़ गए वे Shorter cue then. Yeah, no, just get to be used to the headphone track. बहुत बढ़िया लग रहा है सर। ये लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया लग रहा है आपका गाना। जी ये गुलजार साहब बैठे हुए हैं। क्या बात है सर, फैंटास्टिक। ये शंकर महादेवन कह रहे हैं क्या बात है सर, इतने अच्छे गाने में शामिल किया। दलित जी, सारे लोग आपके गाने की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं वाह बहुत अच्छा गाया, क्या ताल दी, शंकर महादेवन भी कह रहे हैं, तो फिर क्या वजह हुई कि उन्होंने आपकी आवाज हटा के शंकर महादेवन की आवाज लगा दी? यही तो परेशानी सर, इसलिए तो मैं आपकी अदालत में आया हूँ कि बस मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे यही पता करना है कि क्या वजह थी मेरा गाना निकाल दिया मुझे बिना बताए हुए, और इतना उसके बाद पब्लिक के सामने इतना झूठ बोला गया। एक वहाँ से मैं आपको बताता हूँ जी, मैंने जो अखबारों में पढ़ा, इंटरनेट पर रिसर्च की, शाद अली जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि दलेर मेहंदी की आवाज़ अमिताभ बच्चन को पसंद नहीं आई, उन्होंने आपको बाहर कर दिया। जब से शंकर महादेवन ने कजरारे कजरारे गाया है उनके लिए, तब से अमिताभ बच्चन चाहते हैं कि उनके लिए दलेर मेहंदी की आवाज़ इस्तेमाल की जाए, शंकर महादेवन की जाए। सर ये तो वही बात है कि 100 चूहे इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि अब जंगल से जैसे ही बिल्ला बाहर आएगा उसके गले में घंटी बांधनी, आज तो घंटी बांधे कौन, तो कभी वो बच्चन साहब का नाम ले रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि पंजाबी गाना गाया था, कभी कह रहे हैं कि शंकर एहसान लॉय ने कहा, कभी कह रहे हैं जी यशराज की टीम ने सोचा, तो ये तो सारी उनकी एक बातें हैं। और रही बात बच्चन साहब की, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और मुझे नहीं लगता, मैं क्या मेरे जैसे और भी लोग अगर 7 जन्म लें तो मुझे लगता नहीं कि उनके पाँव की कोई धूल भी बन पाएगा, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं वो, और वो ऐसा कभी भी कदम नहीं उठा सकते हैं। मुझे तो उन्होंने खुद इंडस्ट्री में अपने आप उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और मुझे खुद फ़ोन करके कहा था कि दिलेर जी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, तो मैं कभी ये मानने को तैयार नहीं कि बच्चन साहब ने कहा होगा कि मेरा गाना निकाला जाए, मुझे सूट नहीं करता। एहसान साहब का बयान मैंने देखा, एहसान साहब ने कहा कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स और कंडीशंस आप मांग रहे थे वो ठीक नहीं थी, इसलिए आपका गाना बाहर निकाल दिया गया।
ये किस तरह हो सकता है कि आपने पहले मुझसे गाना पहले गवा लिया, उसके बाद अब आप ये बात कर रहे हैं कि कोई टर्म कंडीशन की बात कर रहे हैं। मैं वो भी अदालत से यही मैंने डिमांड की है कि मुझे वो टर्म कंडीशन बताई जाए कि कौन सी मुझे टर्म कंडीशन कहना चाहते थे जिसमें मैंने साइन नहीं किया, और वो भी बात आप एक साल बाद, यही बात आप 5 महीने 6 महीने पहले कर देते कि हमने गाना गवाया था और टर्म कंडीशन हम दलेर मेहंदी ने माने नहीं, इसलिए हम इनका आवाज़ बाहर निकाल रहे हैं। आप एक साल बाद जब आप हम लोग को सरप्राइज सबको कर रहे हो, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है वो दिखाएं हमें, अदालत में दिखाएं कि क्या है ये। आपको कैसे अप्रोच किया था ये गाना गाने के लिए? इस गाने के लिए मुजफ्फर अली साहब के बेटे हैं शाद अली, जिन्होंने एक फिल्म साथिया भी बहुत अच्छी बनाई थी। तो शाद साहब ने मुझे फ़ोन किया था जब मैं UAE के टूर में था, तब उन्होंने फ़ोन किया कि मैं शाद अली बोल रहा हूँ और दलेर जी आपसे मेरी एक गुजारिश है कि एक गाना हम आपसे गवाना चाहते हैं और आपको बड़ी खुशी होगी कि मेरी पहली फिल्म का पहला गाना हम आपसे गवाएंगे। और गुलजार साहब इस गाने को लिख रहे हैं, गुलजार साहब का ये कहना है कि इसके अंदर जो पंजाबी बोल हैं वो इतने सूफियाना बोल हैं, उसे दलेर मेहंदी से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं गा सकता। और आपको इस बात की भी बड़ी खुशी होगी कि इस गाने को हम लोग पिक्चराइज कर रहे हैं बच्चन साहब के, और बच्चन साहब बहुत खुश हैं कि आप ये गाना गाएंगे। तब मेरे साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हुई, कोई एक भी ऐसी बात नहीं कि जो मुझे लगे कि ये मुझे गाना बाहर निकाल देंगे। लेकिन आपको ये बात पता लगने में एक साल क्यों लग गया? जिस दिन CD रिलीज़ हुई है, मैंने जब CD को लिया, और क्योंकि मेरे रिश्तेदार या थोड़े बहुत मीडिया के कुछ लोगों को मैंने कहा रखा था कि मैंने गाना गाया, जब उन्होंने गाना सुना तो कुछ लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि पाजी में शायद अपने बीमार आवाज़ में ऐसा गा दिया होगा कि इतनी हल्की कैसे आवाज़ होगी पाजी की। तो बाद में सारे कंप्लेंट की कि पाजी क्या हो गया था, गला कुछ ख़राब था, बड़े दबे दबे गा रहे हो। मैंने कहा यार मैंने बहुत अच्छा गाना गाया, आप मेरे पास इसका एविडेंस है, तो आप देखो शायद कहीं वहाँ पर कैसे गाया था, उसका एक उदाहरण जरा जनता को दे दे। हो जा जा रब्बा इश्क़ दी खोल गुत्थियां, कट ना मुनाफे अनमोल गुत्थियां, ते लागी ते लागी ते लागी जो लगे ना लगे आशिकी, हो उड़ती उड़ती अखियां के लड़गे पेचे लड़गे वे, डीक लगा के झूम 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 बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। आ जाया जा रब्बा खोल गुत्थियां। जनता के तालियां सुन के तो लगता है कि आपका गाना अगर वाकई में फिल्म में इस्तेमाल कर लेते तो ये सुपर हिट होता। ये सच्चाई है कि मैं बहुत बहुत इस बात के लिए मुझे दुख होता है कि ये पूरी उस टीम की बदनसीबी है कि अगर वो ये आवाज रखते तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और ये गाना बहुत बड़ा हिट होना था। अब तो गाना वाकई ऐसा लगता है कि बस किसी को डरा के ज़बरदस्ती गवाया हो कि चल ऐसे ऐसे गा के दिखा दे, तो मुझे बड़ा दुख है इस बात का। अब जब आप कोर्ट में गए हैं, आपने केस फाइल किया है, तो क्या चाहते हैं आप? अकेले दलेर मेहंदी की बात नहीं, ठीक है, भगवान ने बहुत बड़ा दिल दिया हुआ है और हरदम मैं इंसाफ के लिए अपना हक मांगने के लिए खड़ा हो जाता हूँ। और जो आर्टिस्ट हैं, मुझे लगता है कितने सालों से उनका बुरा हाल होता होगा, जिनके अंदर ये हिम्मत ही नहीं है कि किसी को अपना दुख बता सके, भैया ये इन्होंने मेरा गाना निकाल दिया, या इन्होंने हमारा टाइटल चोरी कर लिया, या इस पूरी फिल्म की स्टोरी इन्होंने चोरी कर ली, किसी की हिम्मत नहीं कहने की नहीं होगी कि ये क्या क्या करते हैं। तो ये शुक्र है इस बात का कि शायद मैं ज़्यादा बोल गया, मेरे जरिए इनको या और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और सांस मिलेगी, कब तक चोरी चलेगी। दो बातें और कहेंगे दिलेर, एक तो ये कहा गया कि आपने ये गाना गाया था जी, लेकिन इसके लिए बहुत सारे पैसे मांगे थे, इसलिए उन लोगों ने आपका गाना बाहर कर दिया। आज मैं अपन पूरी अदालत के सामने कहना चाहता हूँ कि ये बात सच्चाई है कि हर गाने के लिए कम से कम 15,000 या 20,000 25,000, बहुत ज़्यादा अगर कोई सिंगर इनसे पैसा मांग ले इंडस्ट्री वाले बड़े बैनरों से, उसका सफाया कर देते हैं, उसको मार्केट से आउट कर देते हैं। और मैंने जो अपनी फ़ीस रखी है गाने की फ़िल्म के अंदर, वो मैंने रखी है 2 लाख रुपया मुझे चाहिए मेरा गाने गाने का, मेरा आने जाने का आप मुझे किराया दीजिए, मेरे रहने का आप इंतज़ाम कीजिए, ये मेरी छोटी सी डिमांड है, ताकि इस गाने की कदर करें ये लोग। ये नहीं कि आज सोनू निगम ने गाया तो उसका गाना निकाल के शान को बोल दे, आप गाओ, शान का पसंद नहीं आया तो उदित नारायण को गवा दो एक ही गाने का, क्योंकि वहाँ तो सारे फ्री में मिल जाए, डर के मारे इनके पास आ जाते हैं, तुम्हारी अच्छी नहीं लग रही, तुम चले इसने अच्छी नहीं गाया, तो मेरे साथ कम से कम पैसा खर्चा होगा तो ये नहीं करेंगे। मेरी सिर्फ गलती ये हो गई है कि
मैं इनकी इज्जत में कि ये बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं ये लोग, और अच्छा नहीं लगता कि इनको मैं बोलूं कि मैं आप मुझे पैसे दें, यश चोपड़ा जी या गुलजार साहब का जहां पे नाम आता है, इनकी इनकी इज्जत में अदब में मैंने इनसे एक रुपया नहीं मांगा कि मुझे आप पैसे दीजिए। और आकाश अगर मैंने ये पैसे लिए होते तो मेरा गाना बाहर ना निकलता मुझे लगता है। आप कह रहे हैं कि पैसे न लेने से गजब हो गया। मेरा लगता है कि इनको लगा कि हाँ भी ठीक है, और तरह के और जैसे आर्टिस्ट हैं यार, और लोगों को हम दबा लेते हैं, चलो एक ये भी सही, नया एक और आ गया मुर्गा। आप कह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े बैनर्स हैं यशराज फिल्म जैसे, उनका खौफ है। जी लोग कहते हैं, मुझे तो बिल्कुल कोई ऐसी खौफ वाली नज़र नहीं आती, और मुझे तो इवन मतलब यही लगता है कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आता इन पर। अब लोग बहुत डरते हैं कि हाँ भाई आप इंडस्ट्री पंग, जैसे मुझे पीछे मीडिया में मुझे कहा गया कि आपको लगता नहीं है कि आप समुद्र में रह के मगरमच्छ से बैर कर रहे हैं। मैंने कहा जी वो एक फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उन जैसे 50-60 और लोग बड़े बड़े हैं जिनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, और इधर पॉप इंडस्ट्री है, यहाँ पर सिर्फ 2-3 नाम, दलेर मेहंदी आपको नाम नज़र आएगा, उसके बाद 1-2 और नाम नज़र आएंगे, पॉप इंडस्ट्री है वो फिल्म इंडस्ट्री है, मुझे उनसे कोई डर नहीं। अब कल को ये थोड़ी कि माइकल जैक्सन डरना शुरू कर दे कि मैंने यशराज को कुछ कह दिया तो मेरा गाना नहीं गवाएगा यशराज, या मैंने किसी और आर्टिस्ट को कुछ कह दिया, डायरेक्टर को कह दिया तो मैडोना सोची कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, वहाँ पे आके मुझे गाना नहीं मिलेगा। तो मैं इनके दम पे नहीं चल रहा हूँ, मैंने बोलो तारा रारा दिया, डर दी रर दिया है, और उसके बाद बल्ले बल्ले दिया है। अभी ओ साडी वारी रौला पै गया, नी साडी वारी रौला पै गया, ले लो जी नजारे। तो मैं अपने गाने देता हूँ, अपने गानों के दम पर, लोगों की ब्लेसिंग पे दम पर चल रहा हूँ, ना कि फिल्म इंडस्ट्री के दम पे चल रहा हूँ। लेकिन कहना पड़ेगा कि इस कंट्रोवर्सी से वाकई में रौला पै गया है। जी मैं मुझे क्या आप वो झूम बराबर झूम का गाना गाएंगे? अभी गा दूंगा। आपकी अदालत में पॉप स्टार दलेर मेहंदी पर आरोप है कि ये म्यूजिक कंपनी से टकराते हैं। दलेर साहब, आपका जो नई एल्बम आई है वो किस म्यूजिक कंपनी से आई है, उससे आपने क्या क्या एक्सट्रैक्ट किया ये आपसे पूछूं, उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ इसका जो नाम है रौला पै गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शोर मच गया, सारी तरफ शोर मच गया, रौला पै गया मीन्स यही है कि रौला पै गया, सारी जगह शोर मच गया। मैंने इस एल्बम के कुछ हिस्से देखे हैं तो वहाँ आपने धोबी घाट पे जहाँ कपड़े धुलते हैं वहाँ जाके शोर मचाया है। जी ये इसके ये बस वहाँ पे मुझे शोर मचवाया गया, मुझसे गणेश आचार्य जी हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि उनका पहला फिल्मी के अलावा पहला उनका एक पॉप वीडियो है कि जो उन्होंने शूट किया, और उनकी ये सारा कॉन्सेप्ट था कि मैं धोबी घाट पे शूट करूँगा और एक दिन धारा भी की झोपड़पट्टी पूरी दिखाना चाहता हूँ। जब उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट दिखाया तो तब तो मैं दिल से बहुत घबरा गया था कि यार ये पता नहीं मुझे कहाँ, हम इतना बड़ा वीडियो बनाना चाहते हैं, धोबीगढ़ ले जाना चाहते हैं, पता नहीं क्या कराएंगे वहाँ पर। बाद में उन्होंने वीडियो बहुत बहुत ही कमाल बनाया और बहुत अच्छा रहा इसके। हमने देखा कि बॉक्स में बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जो विदेशी हैं जिन्हें गोरी मैम कहते हैं। जी वो उसकी वजह यही है कि जैसे आप रौला घाट पर गोरी मैम का क्या मतलब? जी यस उसमें बस यही यही था कि आजकल जो जो आप इतना शर्मा क्यों नहीं है? सर ऐसा है कि आपका ये प्रोग्राम बहुत बार मैं पहले भी इसमें आ चुका हूँ और काफ़ी लोगों को यहाँ बैठे देखता हूँ, तो मुझे इस बात की खुशी भी बहुत होती है, और क्योंकि आप बहुत बड़े हैं, आपके क्वेश्चन बड़े कमाल होते हैं, इसलिए थोड़ा शर्मा शर्मा के सोचा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हो तो आप अवॉइड कर दें। और उसमें गोरी मैम जरूर हैं, और पर मुझे खुशी इस बात की है कि गणेश जी ने इस तरीके का वीडियो बनाया कि आप उसको अपनी फैमिली में बैठ के बहुत तरीके से देख सकते हैं, कोई इसमें भी आपको कोई भी ऐसा लच्चड़पन या कोई ऐसी हरकत नज़र नहीं आएगी जो आप छोटे बच्चों के साथ या फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। पूरा एक फैमिली और अच्छा एक वीडियो बनाया है, और इसी की वजह है कि शायद
गोरी मैम को भी उन्होंने बिल्कुल हिंदुस्तानी तरीके से दिखा दिया, धोबनों के रूप में दिखाया है। अब जो जहां धोबन को दिखाया गया आपने विदेशी लड़कियों को, गोरी मैम को, उसकी एक झलक आप जरूर दिखा दें अपने दर्शकों को। अब इसमें से तो कुछ दिखा नहीं सकते जी। 3 साल बाद आपकी एल्बम आई है जी। इसकी वजह यह है कि आपको जो म्यूजिक कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो उतना पैसा नहीं देते थे जितना आप चाहते थे, इसलिए आपने 3 साल तक किसी म्यूजिक कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। बहुत बहुत अच्छी बात सर। मैं ये भी बताना चाहता हूँ आज यहाँ बैठ के और पूरी आवाम को पता लगेगा कि जिस तरह यशराज म्यूजिक या और जो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर या इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं, इस तरह जो म्यूजिक इंडस्ट्री हैं, इन लोगों ने 7 सालों से इस तरीके से अपना एक टॉर्चर बनाने का तरीका कर लिया था। जो भी आर्टिस्ट था, चाहे वो दलेर मेहंदी हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, उसे वो ये कहते थे कि आप खुद ऑडियो बना के लाइए और आप खुद 2 वीडियो बना के लेके आइए, फिर आप प्रमोशन में आप कितना पैसा हमें देंगे ये बताइए, तब हम आपकी एल्बम रिलीज़ करेंगे, वरना आप जहाँ रिलीज़ करना चाहते कर लीजिए। और इस बात का बहुत दुख था कि सारी कंपनियों ने, कहने को कुछ विदेशी नाम थे कंपनियों के, लेकिन जो उनके काम करने का तरीका था वो बिल्कुल अपने घर का उन्होंने बिल्कुल बना रखा था, अपनी मर्जी का कॉन्ट्रैक्ट बना लिए कि आप वीडियो भी बनाइए, ऑडियो भी बनाइए। और गाना गाने के बाद आपने जब हमें अपना मास्टर, अपनी हमें रिकॉर्डिंग करने की एल्बम दे दी, जैसे आपने हमें एल्बम दी, हम उसके बाद आज से हम इसके मालिक हम हैं, आजीवन हम मालिक हैं। और आप हमसे पूछे बगैर किसी भी TV चैनल में, किसी न्यूज़ चैनल में, किसी भी जगह आप बैठे हैं, जैसे मैं अभी गाना गा रहा हूँ, और साड़ी वारी रोना पै गया, मैं इस तरह भी नहीं गा सकता हूँ अपना गाना। अगर मैं ऐसा गाना गाऊँगा, पहले आप मुझसे परमिशन लीजिए, या वो टीवी चैनल पहले हमें पैसे देगा तब आप गाना गाएंगे, और वो पैसे सीधे हमारे होंगे, आपके नहीं होंगे। तो इस तरह का 7 साल से ये चल रहा था, और 2000 के बाद पहली बार 7 साल बाद मेरी एल्बम टाइम म्यूज़िक के अंदर आई है। उसकी मेन वजह ये थी कि BMG पब्लिशिंग कंपनी USA ने जब सर्वे किया, और ये भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि YouTube एक साइट है जिस पे मेरा गाना तुणुक तुणुक धुन तुणुक तुणुक धुन तुणुक तुणुक धुन दा दा दा, ये 99 में आया था, आज 2007 में ये पूरे वर्ल्ड में नंबर 5 की रेटिंग पे चल रहा है। उस चीज़ को देखते हुए USA BMG जब पब्लिशिंग कंपनी ने सर्वे किया, तो एशिया का मैं पहला आर्टिस्ट हूँ, वो भी हिंदुस्तान से, जिसे BMG पब्लिशिंग कंपनी ने मुझे साइन किया एज ए आर्टिस्ट। उसकी वजह से टाइम म्यूजिक ने देखा, जब फ्रांस के अंदर दलेर मेहंदी की बहुत बड़ी फोटोग्राफ उन्होंने देखी, और टाइम म्यूजिक ने कहा कि हमारा हिंदुस्तान का आर्टिस्ट यहाँ पे इतना नाम चल रहा है, तब उनको ये सुध आई कि हम लोग अपने आर्टिस्ट को साइन करें। फिर मैंने कहा ठीक है, मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आप मुझे साइन कीजिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, और साथ में टाइम और मिस्टर आदर्श जो कंपनी के CEO हैं, उन्होंने मेरी सारी शर्तें मानी और मैं बहुत खुश हूँ। आप कह रहे हैं कि म्यूज़िक कंपनियां लूटती हैं, म्यूज़िक कंपनियां कंट्रोल रखती हैं, म्यूज़िक कंपनियां की बगैर परमिशन के आप शायद अपने बाथरूम में भी अपना गाया हुआ गाना नहीं जी बिल्कुल। अब ये यकीन कीजिए, इसका बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप किसी प्राइवेट पार्टी में भी ये पहुंच जाते हैं फटाफट कागज लेके, इवन प्राइवेट पार्टी में अगर DJ मेरा गाना बजा रहा है, मैं सुने कि आजकल शादियों में बैंड वाले जो गाना बजाते हैं उन्हें भी नोटिस चला जाता है। मेरे हिसाब से जाता होगा जरूर, ये सच्चाई है, क्योंकि अगर DJ भी गाना प्ले करता है तो उसे ये कहते हैं जाके कि तुम्हारे पास परमिशन है, पहले आपने हमारे पैसे भरे कि नहीं भरे, इस तरीके का हालात है, और उनसे पैसे लेके। लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि आपको जो बनाया वो ऐसी कंपनियों ने बनाया, आपका जो शुरू हुआ बोले तारा रारा या डर दी रब रब, ये जितनी आपकी हिट हुई एल्बम्स, 3 साल तक लगातार आप चार्ट्स के टॉप पर रहे, ये सारी जो एल्बम्स हैं ऐसी म्यूज़िक कंपनीज ने ही रिलीज़ की थी। सर मैं यही चाहता हूँ कि आज 12 साल हो गए हैं, 12 साल के अंदर अगर कंपनियाँ सबको बनाती हैं तो 12 साल के अंदर कम से कम 5 दलेर मेहंदी और बनाए हुए ये दिखा दें वो लोग, या 5 सोनू निगम बनाए हुए ये दिखा दें, 5 शान बना दिए, 5 अलीशा चनाई बना दियो, नहीं बनाए ना इन्होंने। तो हम लोग बने हैं अपने गाने देकर, अपनी मेहनत से, और हमने इनको बिजनेस करने को दिया है, ये हमारी मेहनत भी नहीं देना चाहते, ऊपर से ये कहते हैं खर्चा आप करिए हमें दीजिए, उसके बाद हम सिर्फ आपको प्रमोट करेंगे, आपको तो शो से पैसे बन ही जाते हैं, आपको क्या जरूरत है पैसे की। लेकिन ये सही नहीं है कि आपने जब अपनी म्यूजिक कंपनी बनाई जी, आपने DM म्यूजिक के जरिए अपना म्यूजिक रिलीज किया जी, तो वो इतना हिट नहीं हुआ जितना इन म्यूजिक कंपनीज का हिट हुआ। मेरा वो बहुत हिट हुआ, शारा रारा मैंने 2004 में दिया, मौजा लैंदो दिया, उसकी ज़्यादा मार्केट में सेल इसलिए नहीं हो सकी कि इन सब की अपना एक इतना बड़ा एक अपना इनका गैंग है कि ये लोग अगर कोई
कोशिश करता आर्टिस्ट अपने रिलीज करने के लिए, तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को पहले ही मना कर देते कि ये एल्बम अगर आई है तो यहीं पड़ी रहनी चाहिए पेटी के अंदर, ये बिकनी नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपनी शर्तें मनवाने के लिए मैंने खुद अपनी कंपनी खोली, और मुझे मालूम है कि 2000 से लेके 2007 तक मैंने अपने आप को किस तरह ऊपर उठा के रखा अपने गानों के ज़रिए, अपनी कंपनी के ज़रिए। तो आज ये खुशनसीबी है कि टाइम म्यूज़िक मुझे साइन करने आई, वरना इन्होंने तो 2000 तक मुझे पहले ही ख़त्म कर चुके थे कि ये इनकी डिमांड बहुत है, ये बहुत सारी आवाज़ें उठाता है, इसको रिलीज़ ही मत करो। आप कह रहे हैं कि दलेर की दलेरी ना होती तो ये आपको भी ख़त्म कर देते। जी बिल्कुल, जिस तरह आप जैसे इंडस्ट्री लोग डरते हैं कि ये लोग वॉश कर देते हैं, एक एक हीरो एक फिल्म में हिट होता है, थोड़ी सी आँख दिखाता है, पता लगता है 5 साल के लिए उसको फिल्म ही नहीं मिल रही कोई, वो बेचारा साइड में बैठ जाता है। तो इस तरह आर्टिस्टों के साथ ये करते हैं। लेकिन अब आपको ये डर नहीं लगता कि आप फिल्म इंडस्ट्री से टक्कर लेते हैं, म्यूज़िक कंपनी से टक्कर लेते हैं, तो फिल्मों में आपके गाने नहीं आएंगे? अब आपके काम में सच्चाई होनी चाहिए, वहाँ जाकर तो मैंने कुछ लिख के तो दिखाना नहीं, बनाना नहीं है, आपकी रियाज आपकी मेहनत होनी चाहिए, और आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए और भगवान पे भरोसा होना चाहिए। ये छोटे मोटे लोग हैं, आपका कुछ नहीं कर सकते। आपके इस भरोसे के बारे में जनता क्या कहती है, जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं या जो लोग कोई फरमाइश करना चाहते हैं? जी सरदार साहब सेकंड रो में। हाँ जी सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, इस तरह है जी कि पंजाबी गायकी बाहर वाल नू ज़्यादा दौड़ रही है, पंजाब नू छड़ के। जी तो तुसी इत्थे इहदे विच कित्थों तक मतलब सहमत हो, और कि ये इस तरह नहीं लगता कि मुर्गा अपना और बांग दूजियां दे घर नहीं? ये तो बहुत खुशी की गल है कि 95 दे विच बोलो तारा रारा पंजाब चो निकल के पूरे वर्ल्ड विच फेमस होया, तो असी बड़े खुश नसीब है गए हैं, और हम लोग इसके बहुत ही हम लोग का इस बात की हमें सिर्फ खुशी मनानी चाहिए कि आज पंजाब का म्यूज़िक पूरे वर्ल्ड पे चल रहा है, और इस वक्त बिल्कुल नंबर वन की पोजीशन पे घूम रहा है पंजाबी म्यूज़िक, पंजाबी रिदम, पंजाबी लैंग्वेज, तो ये तो अच्छी बात है, बुरी नहीं है। लेकिन दलेर जी, इतने सारे पंजाबी सिंगर आ गए हैं, मुझे किसी पंजाबी सिंगर ने कहा कि पहले ये कहते थे कि पंजाब में जो पत्थर उठाओ उसके नीचे से सिंगर निकलेगा, अब कहते हैं अगर कोई पत्थर फेंको तो पंजाबी सिंगर को जाके लगेगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस भी सिंगर ने ये बात कही है वो उसका दायरा उसकी लिमिट जो है वो अंबाला टू अमृतसर तक है, और वो वहीं पे देखता अपने आप को बड़ा होता हुआ छोटा होता हुआ। मुझे लगता है कि पंजाबी सिंगर अभी भी बहुत ही कम है, अगर आप उंगलों में भी गिने तो मुझे मलकीत सिंह आपको नज़र आएंगे, गुरदास मान, हंसराज हंस, हरभजन मान, दलेर मेहंदी, जय जी बी, मिक्का, अब इसके आगे मुझे गिनती आ रही, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सिंगर होंगे। तो इतने करोड़ों की आबादी में अगर 10 पंजाबी सिंगर हैं तो बहुत कम बात है। आपको लगता है कि सबके लिए मार्केट है, सबके लिए जगह है, ये तो नहीं कि दलेर मेहंदी ने सारे बाजार पे कब्जा किया हुआ है, किसी का नंबर नहीं आएगा? जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सब लोगों की अपनी मार्केट है, सब लोग के अपने फैन फॉलोइंग है। मेहंदी साहब जी, आपकी फाइटिंग स्पिरिट काबिले तारीफ है। थैंक यू सर। जितनी जल्दी आपने अप्स एंड डाउन देखे हैं सर, उस स्पिरिट में भी जब भी गाना आपने गाया है, मस्ती में गाना गाया है, झूमते हुए गाना गाया है, इस मस्ती के पीछे राज क्या है? इस मस्ती के पीछे बहुत राज सिर्फ यही है कि बहुत ज़्यादा आप हरदम परमात्मा के आगे, आपका मन जो है, मन से आप हरदम परमात्मा के आगे झुके रहिए, और जब आप उसके हो गए तो सारी दुनिया आपकी हो जाती है। मैंने सुना कि परमात्मा के अलावा एक और चीज़ है जिसके आप होके रह गए हैं। जी वो है पैसा। ये बात सही है कि जब तक आपको पैसा नहीं मिल जाता तब तक आप गाना गाना शुरू नहीं करते? जी मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा एक असूल है कि जब हम कोई भी शो करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि आप 50% एडवांस हमें, जब आपने हमें डेट दिया 50% एडवांस दे दीजिए, और शो से 2 हफ्ते पहले हमारे जितना बैलेंस है वो पहले आप ख़त्म कर दीजिए, ताकि शो वाले दिन हम सिर्फ शो की तरफ ध्यान दें, हम ये ना कहें कि हमारे पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और ये इतना अच्छा असूल है कि सामने वाला भी जब शो बुक करता है उसे भी खुशी होती है इस बात की, वरना ये नहीं है कि आपने हमारे से इतने की बात की थी, इतने पैसे दीजिए, ये दीजिए, वो नहीं, सारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और थ्रू बिल्कुल लीगल वे से उसको साइन करके फिर हम लोग शो करते हैं। ये तो जूक बॉक्स की तरह हो गया ना कि पैसा जाएगा तो आवाज़ निकलेगी। सर ऐसा है कि मुझे और आर्टिस्टों का तो नहीं पता, पर मुझे अपना मालूम है कि मैं बहुत ही, जैसे उन्होंने कहा था, झूम के गाता हूँ, बिल्कुल ही दिल से
अपने खून पसीनों को लगा कर मैं तीन तीन चार चार घंटे परफॉर्म करता हूँ, और उसके अंदर हम लोग कोई जोक्स नहीं करते, उसके अंदर कोई हम लोग मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं डालते हैं, एक ट्रू म्यूज़िक हम लोग करते हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पूरे ग्रुप मेंबर का भी, जो कभी भी मेरे साथ उन्होंने ये नहीं जताया कि नहीं बस आप शो को बंद कर दीजिए, हम थक गए हैं, चार घंटे हो गए हम लोग को प्ले करते हुए। तो मैं बहुत दिल से मेहनत से काम करता हूँ और उसका मुझे हक है, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे उसके पूरे पैसे मिलने चाहिए। सर हम भी बिहारी, आप भी बिहारी जी, तो क्यों ना एक गाना हो जाए जिसमें बिहार का कुछ पूट हो, आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले। जी अभी करता हूँ भाई। तोहरी लचके जब कमरिया सारी, दुनिया ही ले ला ओ तोहरी लचके जब कमरिया, आ रही लचप रही ले, आ रही लचप रही ले, बलिया ही ले ला ओ तोहरी लचके जब कमरिया सारी, दुनिया ही ले ला ओ तोहरी लचके जब कमरिया। आपकी अदालत में पॉप स्टार दलेर मेहंदी पर इल्जाम है कि ये एरोगेंट हैं। दलेर जी, आपकी बातें सुनकर कोई भी ये कहेगा कि दलेर मेहंदी अपने आप को बहुत बड़ी हस्ती समझते हैं। दलेर मेहंदी कहते हैं कि मेरे बगैर तो दुनिया नहीं चलेगी। जब तक आपको अपने आप पे भरोसा नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप यही रहें कि हम लोगों के रहमो करम तक पलते रहेंगे तो बड़ी मुश्किलात हो जाएगी। और जिस कौम में मैं पैदा हुआ हूँ वो हिंदुस्तान से ही बनी है, और गुरु गोविंद सिंह महाराज ने यहीं से बनाई है, इसलिए बनाई थी कि आपको अपने हक के लिए आवाज़ लगानी पड़ेगी, वरना अभी तक गुलाम ही रहते, 800 साल तो पहले रहे थे और आगे रहते हम लोग। लेकिन ये नहीं कि इस एरोगेंस की वजह से आप हर किसी से लड़ जाते। मुझे याद है एक टैलेंट शो में आप जज थे जी, वहाँ पर जो बाकी जजेस थे आप उनसे लड़ गए, आपने उनसे कहा कि तुम्हें सुर की समझ नहीं है, मुझे मालूम है सुर क्या होता है। जी देखिए, जो लोग तो म्यूज़िक जानते थे वो मेरी बात से वाकई सहमत हुए, और आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिन बच्चों को मैं डांटता था उनके फ़ोन मुझे कितनी बार आते हैं कि पाजी बहुत शुक्रिया, आपने हमें रास्ता दिखाया, आपकी वजह से हमें पता लगा कि क्या क्या कमियाँ होती थी, और अगर आप नहीं होते तो हम लोग अपने आप में बहुत बड़े सिंगर समझते थे, लेकिन आपके टोकने पे हमें काफ़ी कमियां नज़र आई हैं। और जिन लोगों को म्यूज़िक समझ आता है वो मेरी बात से सहमत है। दलेर मेहंदी की ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये जो एरोगेंस है, इसी की वजह से तो झगड़ा होता है, इसी की वजह से तो आपको अंडरवर्ल्ड से धमकियाँ मिलती हैं। पंजाबी में है कि साढ़े ना जेना मत्था लाया ओदी माँ ने वैन पाए, मतलब हमसे जिसने पंगा लिया है उसकी माँ भी रोई है। अब आपके सामने आज अब्बू सलीम किस तरह मारा मारा फिर रहा है यहाँ पे, तो जिन जिन लोगों ने मुझसे पंगा लिया। अगर अबू सालिम ने धमकी दी थी, और अगर पंजाब की तरफ से उस टाइम जो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे उन्होंने पंगा लिया था, या और बड़े बड़े अब आपके सामने दूसरे लोग भी सामने नज़र आ रहे हैं, तो जिन जिन ने पंगा लिया है वो आपके सामने ही हैं, अपना खुद ही भुगतते हैं। और आप कह रहे हैं कि अब यशराज फिल्म्स का नंबर है वो भुगतेंगे। जी बिल्कुल भुगतेंगे। अगर गलत किया तो ज़रूर भुगतेंगे, क्योंकि ये बहुत गलत है कि आप किसी को बुला के गाना गवा के और आप बिना बताए आप गाना बाहर निकाल दो ये कह के हम कुछ हैं, तो ये बात गलत है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो लोग आपके साथ में थे जब आपने सिंगिंग शुरू की थी, जब आपने पहला अपना बैंड बजाया था जी, बैंड बनाया था, तो उसमें आपके फैमिली के मेंबर्स थे, ब्रदर्स थे, कजन्स थे, और उन सबको आप भूल गए, अब आप आगे निकल गए, वो लोग कहीं बहुत पीछे रह गए। मैं ये बात का सबूत है कि मैं खुशनसीब हूँ कि आज क्वेश्चन आपने किया, तो मेरे साथ सामने मेरे खड़े हैं प्रितपाल नीटा हैं जो कि 12 साल से मेरे साथ हैं, हेमंत हैं 8 साल से मेरे साथ हैं, तो जो मेरे ग्रुप के मेंबर मेरे साथ थे वो सारे मेरे साथ हैं। जो बाहर जाना चाहते थे जैसे मिक्का जी थे, उन्होंने अपना ग्रुप बनाना चाहा, हमें बड़ी खुशी हुई, हमने उनकी एल्बम रिलीज़ की, मिक्का अपना ग्रुप बना के बैठे, और जो एक दो मेंबर और जाना चाहते थे उन्होंने अपना ग्रुप बनाया और खुश हैं, बाकी सारे मेरे साथ। मिक्का को आपकी मदद की ज़रूरत थी जी, जब राखी सावंत ने किसिंग का केस उधर बना दिया तब आप उनकी मदद के लिए आगे नहीं आए। अगर कोई देखे, फिर सच बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही कोई अच्छा काम किया होता तो फिर हम साथ देते। तो मैंने फिर चाह के भी
दोनों का साथ नहीं देख पाया, ना ना राखी सावंत जी का दे पाया, ना मीका जी का साथ दे पाया। उस वक्त बस मैं दूर से ही, बस मैं भी न्यूज़ में देख के बस हक्का बक्का ही रह गया कि हुआ क्या, ये दोनों ने किया क्या। आपने बाद में मीका को डांटा नहीं इस काम के लिए? मीका एक महीना मुझसे बहुत छुपते रहे, फ़ोन पर भी बात नहीं की, और एक महीने बाद जब मुलाकात हुई तब बहुत उन्होंने शर्मा के और ये एक सफाई देने की कोशिश की कि आप वीडियो में देखिए पहले उसने मुझे किस किया था। तो इस बात को मैंने कहा कि फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो हमारी सभ्यता नहीं है कि आप, वैसे तो सारी दुनिया चोरी छुपे किस कर रही है, लेकिन आप ओपनली मत कीजिए। जनता से पूछते हैं, जो लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं जी आप पूछिए। यहाँ मैं क्या कि जेड़ा यशराज पिक्चर के पीछे तुसी रोला पाया, तुसी लगे रहो, पब्लिक तुहाडे नाल है। बहुत बहुत थैंक यू जी, बहुत थैंक यू। मस्ती भरा गाना म्यूजिक दे नाल सानू सुना दे। ठीक है जी, बिल्कुल सही। ओ दिल वाले दिल दिया कर दे ने चोरिया, मल्ला मल्ली आज गाने पट्टिया ने गोरिया, ओ दिल वाले दिल दिया कर दे ने चोरिया, मल्ला मल्ली आज गाने पट्टिया। अदालत में पॉप स्टार दलेर मेहंदी पर इल्जाम है कि ये नियम कायदों की परवाह नहीं करते। दलेर जी आप अपनी धुन में रहते हैं और मैंने सुना ये आपकी आदत आज से नहीं है, बचपन में भी आप स्कूल से भाग जाया करते थे क्लास छोड़ के। जी ये बस सही है, मैं भाग जाता था स्कूल से और भाग के कुछ कोई काम नहीं होता था, हम लोग बस गुरुद्वारा गुरु का बाग जाते थे और वहाँ पे जाके सर ये होता था कि चलो दोपहर का लंगर मिस नहीं करना, वहाँ लंगर खाएंगे बस। और ट्रक के पीछे लंगर डाल के आप दौड़ लगाते थे? जी, जो ट्रक के पीछे हम लोग जो सांकली होती है हम लोग उस पर लटक के कम से कम तो 8-8, 10-10 किलोमीटर तक शहर से दूर चले जाते थे, या फिर पटना सिटी से ट्रेन जो पटना जंक्शन तक जाती थी उसमें होता था कि चलो आज ट्रेन का सफ़र किया जाएगा, वो प्लानिंग होती थी कि आज क्या क्या करना है एक दिन के अंदर। और आज भी जब आप गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड की परवाह नहीं करते, सिर्फ पुलिस वाला दूर से दिख जाए तो स्पीड कम करते हैं? जी, जी। ये देखिए आप, एक तो अच्छा ही है कि जैसे मैं कानून को देखता हूं तो उसकी कदर करता हूं। और मैं गाड़ी अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर लेता हूं, कई बार रुक भी जाता हूं, और तब वो मुझे बड़ा गुस्सा होता है कि वो पहचान रहते हैं कि दलेर मेहंदी, लेकिन वो भी अच्छी तरह अपनी मस्ती करते हैं पूरा, वो पहचानते नहीं, हाँ जी अपना लाइसेंस दिखाइए, ये कीजिए, मैं बड़े आराम से दिखाता रहता हूँ, सब कुछ करता रहता। साथ वाले बैठे उनको बड़ा गुस्सा आता है, इनको बताओ मैं दलेर मेहंदी हूँ। मैंने कहा यार उनको पता है मैं दलेर मेहंदी हूँ, पर वो इस वक्त मैं ड्राइवर हूँ, दलेर मेहंदी स्टेज पर होता हूँ, अब वो जो करना चाहते हैं। काफ़ी शौक है आपको गाड़ियाँ चलाने का? जी मुझे खुद ही गाड़ी ड्राइव करता हूँ, और जब से बड़े हादसे देखे, ख़ास करके जैसे लेडी डायना का जब हादसा देखा तब तो मन बैठा लिया कि गाड़ी खुद ही ड्राइव करनी चाहिए, कोई पता नहीं अब इतने लोगों को सच बोल देता हूँ, पंगे ले लेता हूँ, कोई कहीं मरवा दे क्या पता। एक ज़माने में न्यूयॉर्क में आप टैक्सी चलाते थे जी, तब भी आप ओवर स्पीडिंग करते थे? वहाँ तो ओवर स्पीडिंग तो था नहीं, क्योंकि कम से कम आप 80 माइल यानी कि 100 किलोमीटर की स्पीड का तो आपकी लिमिट होती थी चलने की, तब इतना ओवर स्पीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इतना मुझे याद है कि एक बारी मैंने जैसे ही बहुत स्पीड में था तो मुझे पुलिस ने रोका, तो उसने मुझे बताया कि आप बहुत स्पीड में थे, और मैंने अपनी जितनी मेरे पास अंग्रेजी थी वो इकट्ठी करके अपनी इधर उधर से तो मैंने उनको बोला डू यू नो कैलिफोर्निया रूल्स, तो उसको इतना गुस्सा आया कि आप मुझे कैलिफोर्निया का रूल बताएंगे, तो मैंने कहा कि मैंने कोई स्पीड लिमिट नहीं तोड़ी है, बोलते आप अपना लाइसेंस दिखाइए। तब मुझे याद है कि अपनी मैं गाड़ी से निकला और मैंने जाके पहले गाड़ी की डिक्की को खोला, तो उसको बहुत गुस्सा आया कि मैं लाइसेंस मांग रहा हूँ, ये जेब में होना चाहिए, डिक्की में क्या कर रहा है। तो मैंने जब उनको लाइसेंस निकाल के दिखाया तब उन्होंने कहा कि पहली बार आपने गलती की है, माफ़ कर देता हूँ, दोबारा गलती होनी नहीं चाहिए। और उसके बाद फिर मेरी कोशिश रही कि मैं, क्योंकि मुझे कानून से डर नहीं लगता था, इंग्लिश से ज़्यादा डर लगता था कि मैं जवाब क्या दूंगा इनको।
मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जितनी भी अभी तक एल्बम निकाली हैं सब झूम बराबर झूम शराबी की तरह निकाली है, कोई आपने दर्द भरी एल्बम नहीं निकाली। जी हम लोग बहुत जल्दी अभी एक गाना आपने पहले भी सुना होगा जो हमने निकाला था, अगर जिंदगी से मोहब्बत करोगे मोहब्बत जिंदगी में कर ना सकोगे, अगर दर्द दिल की शिकायत करोगे मोहब्बत जिंदगी में कर ना सकोगे। सर ऐसा लग रहा है ये गाना आप यश चोपड़ा जी के लिए गा रहे हैं। आप रंगदी बसंती का सॉन्ग गा दो और आप क्या प्लीज ये आप ये बता सकते हो कि अमिताभ बच्चन पर आपने क्यों नहीं शक करा जबकि सब ये कह रहे हैं। पहले बेटा मैं रंगदी बसंती सुनाता हूँ गाना। हाँ मोहे रंग दे मोहे रंग दे मोहे रंग दे रंग रंग दे रंग दे मोहे रंग दे रंग रंग दे रंग रंग दे रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती। थैंक यू थैंक यू। मेहंदी जी आपसे एक रिक्वेस्ट है जी कि चक दे फट्टे वाला जरा सुना दो और दूसरा इसी तरह फट्टे चक दो कि ताकि जश जश जरा चोपड़ा हैगा वो फट्टे चक जाए। अदालत में आज हमने इल्जाम लगाए, सवाल पूछे दलेर मेहंदी से, दलेर मेहंदी जिन्होंने यशराज फिल्म्स के बड़े बड़े दिग्गजों को, जिन्होंने यश चोपड़ा को, गुलजार को, शाद अली को अदालत में खड़ा कर दिया है, उन्हें समन इशू करवा दिए हैं। आज हमने दलेर मेहंदी से सफाई मांगी उनकी एरोगेंस के बारे में, हमने उनसे पूछा वो कानून कायदे क्यों तोड़ते हैं। हमने दलेर मेहंदी की सफाई सुनी, अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज सुधीर तलंग के फैसले का। मैंने देखा कि पूरे मुकदमे के दौरान इन्होंने जिस तरह से अपना केस लड़ा है उससे एक बात उभर कर सामने आती है कि ये एक कलाकार की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और उसकी अस्मिता के लिए लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं। थैंक यू। और ये एक बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। अगर यश जी ने कोई गलत काम किया है, इनके साथ नाइंसाफ़ी की है, तो उनको तो असली अदालत जो सज़ा देगी ज़रूर देगी, और हम भी समझते हैं कि वो एक बहुत गलत काम किया उन्होंने एक सच्चे कलाकार के साथ में। थैंक यू। लेकिन ये अदालत दलेर जी को एक सलाह देती है कि वो अदालतों के जो पंगे बार बार लेते हैं उससे बचें, और आपकी अदालत में तो बार बार आए हैं उनका स्वागत है, लेकिन असली अदालत से बचें, उसमें ना जाएं तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि असली अदालत में जिनका इनका इतना वक्त ज़ाया हो जाता है कि हम लोग इनको अदालत के फैसलों के बीच नहीं देखना चाहते, हम चाहते हैं इनके गाने सुनना। ये अपनी क्रिएटिविटी में ध्यान लगाएं और ये अदालत आपको सजाए गीत देती है। थैंक यू। सजाए गीत ये है कि आप एक जाते जाते यश चोपड़ा जी के लिए गीत सुना दीजिए। थैंक यू। और आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। थैंक यू। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी स्वयंभू प्रसाद नमो शांतकारं नमो निर्विकारं
ये धरती ये अंबर ये दरिया समंदर ये दिलकश नजारे सभी हैं तुम्हारे। नमो 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 नमो। ये चलती हवाएं महकती दिशाएं ये सांसों की हलचल कहती है पल पल नित्यम अनुपम सदा सत्य दिव्यम। नमो प्रेम रूपम मम प्रेम रूपम नमो 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 नमो। हर 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 हरे हर 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 हरे हर 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 हरे हर 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 हरे। इस उम्मीद के साथ इस यकीन के साथ कि दलेर मेहंदी इसी दलेरी से पूरी दुनिया से लड़ते रहेंगे नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे और इनकी आवाज़ का जादू पूरी दुनिया में धूम मचाता रहेगा। हमारी शुभकामनाएं दलेर मेहंदी के साथ हैं। आज तो मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपकी अदालत में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।